Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सबका आज के टॉप 3 डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी द्वारा प्रोक्योर किए जाने वाले एंटी सबमरीन चॉपर MH-60 के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ये खबर US डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है, जहां पे US डिपार्टमेंट ने मंगलवार को ही 24 MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर की सेल को लेके इंडिया के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये मंजूरी US ने दो रीजन से दी है। पहला तो वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत करना चाहते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन रीजन में जो चाइनीज सबमरीन है और चाइनीज एक्सपेंशन है उसको भी काउंटर करना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर इंडिया ने लास्ट ईयर ही काफ़ी लेट किया था, लेकिन उसके बाद भी US ने जल्द ही रेस्पॉन्ड किया है। और इस हेलीकॉप्टर की डील तकरीबन $2.6 बिलियन की बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत 24 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने हैं। तो MH-60R, जिसका निक नेम रोमियो है, इसे मैन्युफैक्चर करती है लॉकहीड मार्टिन, और इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है सबमरीन, शिप और डिस्ट्रॉयर्स को हंट करने के लिए। और इसे बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी यूज किया जा सकता है। और जिस तरह से चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को लेके हो या फिर ग्वादर पोर्ट पे अपने नए नेवी बेस को लेके हो, तो हर तरह के थ्रेट को देखते हुए ही कहीं ना कहीं US ने इस डील को अप्रूव किया है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा इंडक्ट किए जा रहे हैं 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड तैयार है अपने 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इंडक्ट करने के लिए। और इस बारे में बात करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के जनरल डायरेक्टर ने बताया कि इन 16 में से पहले 4 जो हेलीकॉप्टर इंडक्ट किए जाएंगे, उनमें से 2 हेलीकॉप्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भेजे जाएंगे फेज 2 सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए। और उनका मानना यह है कि इस साल के जुलाई से इन 16 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू हो जाएगी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और उनका कहना यह था कि इंडियन कोस्ट गार्ड इस तरह के हेलीकॉप्टर की डिमांड में बहुत दिनों से था। उनके पास जो अभी हेलीकॉप्टर्स हैं वो तकरीबन 7 से 8 साल पुराने हो चुके हैं, तो एक नए मॉडर्न एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की डिमांड में थे वो। और इन हेलीकॉप्टर्स को स्पेशली लिया गया है नॉर्थ से सटे बे ऑफ बंगाल रीजन को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड अपने डोर्नियर करने के प्लान कर रही है, जो कि वो तकरीबन 36 की मात्रा में उड़ाते हैं। और इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल का कहना यह था कि हम हर साल किसी न किसी तरह का कोई अपग्रेड करते रहते हैं अपने डोर्नियर हेलीकॉप्टर्स में, चाहे वो एवियोनिक्स को लेके हो या फिर अदर कंपोनेंट को लेके हो, तो एवरी ईयर कोई ना कोई अपग्रेड हम करते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की तीसरी डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी फाइटर JF-17 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, JF-17 को लेके पाकिस्तान के ISPR ने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़े क्लेम्स किए हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने यह माना है कि उन्होंने नौशेरा वाले डॉग फाइट में F-16 का यूज किया था, वो भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद ये कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है कि उस दिन जिसने MiG-21 को शॉट किया था वो F-16 ही था। लेकिन इस पूरे प्रक्रम के दौरान पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता रहा कि MiG-21 को JF-17 ने शॉट किया था। और यही सेम बात चाइनीज मीडिया भी अपने न्यूज चैनल्स पर दिखा रहा था कि JF-17 ने अपना किल क्लेम किया है MiG-21 के ऊपर, और यहाँ तक कि सुखोई के ऊपर। तो ऐसा क्या है कि वो JF-17 के प्रशंसा में अपने कशीदे पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, जो कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के कंपटीशन को देखते हुए इस मार्केटिंग गिमिक को फैलाए जाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, IAF ने अपनी ब्रीफिंग में यह साफ कर दिया था कि उस दिन तकरीबन 4 F-16 ने इंडियन एयरोस्पेस में इंट्रूड करने की कोशिश की थी, तो उसमें JF-17 नहीं था, ना ही JF-17 ने किसी भी प्रकार से इंडियन फाइटर जेट को मारा है। तो इस तरह से पाकिस्तान मीडिया और चाइनीज मीडिया का JF-17 के तारीफों के पुल बांधना साफ साफ दर्शाता है कि वो अपने एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी वरीड है, JF-17 के एक्सपोर्ट को लेकर, और कहीं ना कहीं मार्केट में एक इंप्रेशन जमाना चाहते हैं कि JF-17 ने सुखोई 30 MKI को मार गिराया है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।